स्वागत है आप सभी का रेनबो सेलिब्स में। आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें भारत की महिला दास्तानगो कलाकार यानी कथावाचक होने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, फौजिया दास्तानगो। फौजिया, स्वागत है आपका रेनबो सेलिब्स में। ख्वातिनो हजरात आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं रेनबो FM के जरिए आपसे रूबरू हो रही हूँ। फौजिया, हमने संगीत कला, नृत्य कला, कविता वाचन, अभिनय, शायरी, इन सब के बारे में बहुत सुना है, लेकिन दास्तान गोई इसके बारे में सुना तो है लेकिन कम सुना है। क्या है दास्तान गोई? देखिए, दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना। तो दास्तान में हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जो लंबी होती हैं, जो कई कई दिन, कई कई महीने और कई कई साल चला करती हैं। जैसे तिलिस्म होशरुबा से दास्तानें सुनाई जाती थी। तिलिस्म यानी जादू और होशरुबा यानी वो जादू जो आपके होश उड़ा दे। और आपने अलिफ लैला के बारे में सुना होगा, आपने अरेबियन नाइट्स के बारे में सुना है। हमेशा उसमें कहानी में से कहानी निकलती है और उस कहानी का कोई एंड नहीं होता। तो तिलिस्म होशरुबा कम से कम 46 वॉल्यूम्स पर आधारित कहानी है और इसमें तकरीबन हर वॉल्यूम में 1000 पेजेस हैं, यानी कि 46,000 पेजेस, 46,000 पेजेस। तो ये दास्तान को ये दास्तानें सुनाते थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दास्तानें सुनाई जाती थी, लोग बैठते थे और लुत्फ़ लेते थे, मज़े लेते थे, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास कोई भी टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, कोई लोग रील्स नहीं देखते थे और सिर्फ उनका यही मशगला होता था कि वो जाएं हर जुमेरात या जुमे को। और गालिब ख़ास तौर से उनको बहुत पसंद थी दास्तान गोई। तो फौजिया, दास्तान गोई की जो कला बहुत पुराने जमाने में हुआ करती थी, आज जाने कहाँ बीच में कहीं खो गई और उसे फिर से रिवाइव करने का जो क्रेडिट है वो आपको जाता है? बहुत लोगों को जाता है, जिसमें दानिश हुसैन है उनको जाता है। दानिश हुसैन मुंबई में है और भी बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे जाता है। मगर जब दास्तानें होती थी तो सारे मेल दास्तान को दास्तानें सुनाते थे। हमें जो भी रेफरेंसेस मिलते हैं, जो भी हमें लिखा हुआ मिलता है, वो मेल्स के बारे में मिलता है, यानी कि मर्द हजरात के बारे में मिलता है। लेकिन वुमेन दास्तान को कैसी होती थी इसका कोई अंदाज़ा हमें कहीं मिलता नहीं है। इसी कोई अभी तक हमें कोई रेफरेंस नहीं मिला है। अच्छा, आपने कहा कि ये जो कला है जो इसके एपिसोड्स महीनों तक चलते हैं, तो आप जब स्टेज में एक दफ़ा परफॉर्म करती हैं तो उसके सीरीज को कैसे बरकरार रखती हैं? मैं जब कंटेम्प्रेरी काम हमने शुरू करा तो ये दास्तान को जो होते थे ये फिल बदी दास्तान कहते थे, मतलब ऑन द स्पॉट दास्तान कहते थे। तो ये लिखी बाद में गई हैं, सुनाई पहले गई हैं, ये ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था। लेकिन देखिए, अब कंटेम्प्रेरी ज़माना है, उस ज़माने में अभी आज जब मैं लोग ये भूल जाते हैं कि आधे घंटे पहले क्या मैसेज देखा था, लोग कहते हैं भाई छोटा बनाइए, 20 सेकंड का बनाइए, बस 1 मिनट का बनाइए। अब जो हम कंटेम्प्रेरी काम कर रहे हैं उसमें हम 1 घंटे की कहानी सुनाते हैं बहुत से बहुत, और उसको हम वहीं पे ख़त्म करते हैं। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है अब इतनी फिक्स ऑडियंस नहीं है, है ना, कि वो हर जुमेरात को उसी जगह पर आएंगे। हमारे पास कोई जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ भी नहीं हैं, बल्कि अभी मैंने पहली बार मैंने जब गुलेरिया घाट पे बनारस में परफॉर्म करा, वहाँ पे लोग सीढ़ियों पे बैठ के सुन रहे थे। तो मैंने वहाँ कहा बाकायदा कि ये पहली बार है जब दास्तान को ये मतलब मैं ऐसे परफॉर्म कर रही हूँ, ऐसे गुलेरिया घाट पे। अब तो ये ऑडिटोरियम की चीज़ बन गई है, अब तो ये परफॉर्मेंस की चीज़ बन गई, पहले भी परफॉर्मेंस की चीज़ थी, लेकिन पहले एक जगह होती थी जहाँ पे लोगों को पता होता था कि भाई यहाँ दास्तान। अब आज तक ऐसी कोई फिक्स जगह है नहीं कि भाई ये फिक्स जगह है और यहाँ पर हर जुमेरात को दास्तान सुनाई जा रही है। अब आपके जो सारा एपिसोड है उसको 1 घंटे के अंदर समेट लेते हैं जी। फौजे, आपने कहा कि अभी हाल ही में आप बनारस से लौटी हैं, मुंबई से लौटी हैं, तो बनारस का जो व्यू है वो मेरे जहन में आ रहा है, मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि वहाँ जो आपकी दास्तान गोई हुई होगी बहुत खूबसूरत हुई होगी। घाटों में बैठकर लोगों का जो ऑडियंस है उसका एक अलग ही एनवायरमेंट होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। हमें इस साल इनवाइट किया था कबीर की दास्तान परफॉर्म करने के लिए, तो आपके पीछे घाट है, लोग चिड़ियों पर बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, तो इतना खूबसूरत था ये। हालांकि मैंने ओपन एयर में बहुत बार परफॉर्म किया है, मगर ऐसे घाट पर बैठकर, वो एक कबीर की धरती पर आप कबीर सुना रहे हैं, तो इससे खूबसूरत चीज़ तो कुछ भी नहीं हो सकती। फौजी, आपकी दिलचस्पी इस कला में कैसे पैदा हुई? इसका क्रेडिट जाता है मैं जहाँ पैदा हुई हूँ। मैं पुरानी दिल्ली की मैं पैदा हुई, पहाड़ी भोजरा पे मैंने घर में आँख खोली। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं बहुत फैंसी चीज़ों के साथ बड़ी नहीं हो रही थी, मैं अपनी अम्मा की, नानी की, दादी की कहानियाँ सुन के बड़ी हो रही थी। तो मतलब मुझे एडिक्शन था कहानी पढ़ने का और कहानी सुनाने का। मैं हमेशा स्कूल में जाके कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मैं प्रोफेशनल स्टोरी टेलर बनने वाली हूँ। ये बहुत ईमानदारी से मैं कह रही हूँ, लेकिन वो सिलसिला जारी रहा। और
जितना भी मेरा काम है या जितना भी मैं, लोग कहते हैं आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है या जो भी, तो वो वहाँ के लोगों को जो मैं सुन के बड़ी हूँ, क्योंकि सुन के ट्रेनिंग होती है आपकी असल में. मैं हमेशा, लोग मुझसे कहते हैं आप हमें सिखा दीजिए वॉइस मॉड्यूलेशन, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सुनिए, क्योंकि जितना आप सुनेंगे आप लोगों के लहजे पकड़ेंगे, आप लोगों का अंदाज पकड़ेंगे. तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ. और फिर प्रभात ने, मेरे दोस्त ने, उन्होंने मुझसे कहा, भाई फौजिया मुझे लगता है तुम इतनी कहानियाँ सुनाती रहती हो. मैं तो लेक्चरर थी, प्रोफेसर थी, पढ़ा रही थी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में, 2006 की बात है. मैंने मास्टर्स किया है जामिया से. फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे दास्तान गोई करनी चाहिए. नौकरी कर रही थी, नौकरी करते करते मैंने ये अपना ये सफ़र शुरू हुआ. फिर एक आलम दीवानगी तारी हुई मेरे ऊपर, मतलब मुझे लगा कि भाई 2014 में मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने कहा भाई अब मुझे इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है और मुझे यही काम करना है. हाँ. ये जो दौर है इसमें एक आर्ट फॉर्म को जिंदा रखना इतना आसान काम नहीं है, और वो भी जब आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं. आपने जो पूछा मुझसे कि दिलचस्पी कहाँ से पैदा, तो दिलचस्पी पुरानी दिल्ली की दीवानी औरतों और पगले आदमियों को हमेशा कहानियों में होती है. वहाँ का हर शख्स स्टोरी टेलर है और उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. तो ये दीवानगी तो इस बात से भी स्पष्ट होती है, जो जुनून आप में है दास्तान गोई की, कि आपने अपनी नौकरी भी छोड़ दी इसकी वजह से. जी बिल्कुल, लेक्चरशिप छोड़ दी और फुल टाइम आपने इस दास्तान गोई को दे दिया. बिल्कुल. स्टोरी टेलिंग की जब बात आती है तो बचपन में, जैसे कि आपने कहा कि नानी दादी की कहानियाँ सुनते हुए आप बड़ी हुई, हम सभी सभी लोग अपने नानी दादी या माता पिता या बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनते हुए बड़े होते हैं. तो कहानियां सुनाने का ये जो चलन है तो सदियों से चला आ रहा है. बिल्कुल. लेकिन जैसे कि आपने कहा, पिछले कुछ सालों में ये कला एक प्रोफेशन का रूप इसने ले लिया है, एक रोजगार बन चुका है. तो दादी नानी का कहानी कहना और एक प्रोफेशनल का कहानी कहना, क्या फर्क है? देखिए, दादी नानी जब हमें कहानी सुनाती हैं तो वो हमें बेसिकली अपनी गोद में बिठाई कहानी सुनाती हैं, लेकिन जब हम कहानी सुनाते हैं तो हम ऑडिटोरियम में कहानी सुनाते हैं या हम किसी प्रोफेशनल जगह पे कहानी सुनाते हैं. दादी नानी माइक नहीं इस्तेमाल करती, हमें माइक चाहिए होता है. वो भी कुछ स्पेसिफिक माइक चाहिए होता है, हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो बहुत फ़र्क है प्रोफेशनली स्टोरी टेलिंग करने में और पर्सनली स्टोरी टेलिंग करने में. लेकिन अल्टीमेटली आपकी शुरुआत वहीं से होती है, पर्सनल स्टोरी टेलर से. अगर आपको कहानी सुनने का शौक नहीं है तो आप कहानी कह नहीं पाएंगे, ये मेरा टेक है. मैं जब भी लोग मुझसे कहते हैं हमें सिखा दीजिए, तो मैं कहती हूँ पहले सुनना सीखिए, पहले हमें अपने कानों को ट्रेन करना है, उसके बाद हमारी जबान ट्रेन होती है. क्योंकि जब हमारे कान उस चीज़ को समझते हैं, उसकी लय को समझते हैं, और दास्तान गोई में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दास्तान में एक लय है. मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई आप एक आम स्टोरी टेलर में दास्तान गोई में क्या फ़र्क है. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी जो स्क्रिप्ट है वो सबसे बड़ा फ़र्क है, क्योंकि हमारी दास्तान जो है राइम करती है मोस्टली, उसमें एक रिदम है, उसमें एक साज है. और एक जो आम कहानियाँ जो हम सुनाते हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए हम कोई प्रॉप इस्तेमाल नहीं करते, तो नानी दादी भी कोई प्रॉप इस्तेमाल नहीं करती थी. हमारे में कोई प्रॉप्स नहीं होते. अगर हम शेर की बात बता रहे हैं तो हम ये नहीं कहते ये देखो ये शेर, नहीं, हमारी आवाज़ से आपको दिखना चाहिए वो शेर, लेकिन हमारे हाथ में अगर कोई पपेट है उससे नहीं दिखना चाहिए. तो आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका जो कहानी कहने का जो स्टाइल है उसमें एक रिदम है, एक लय है. फौजिया, आपके लिए कहा जाता है कि फौजिया के कहानी सुनाने का अंदाज जुदा है, उनकी कहानियों में रोमांच और एक तरह का जादू सा होता है. तो इस वक्त मैं भी और हमारे तमाम सुनने वाले भी सोच रहे हैं कि आखिर फौजिया किस तरह से कहानी पेश करती है, सुनाइए ना. मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगी. तो ये एक छोटी सी महाभारत से एक सेगमेंट है जो मैं सुना रही हूँ, कि जब अर्जुन ने देखा कि सामने सब खड़े हैं जो उनके चचा हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं जंग लड़ सकता. उसी के लिए मैं एक छोटी सी एक पेशकश मैं सुना रही हूँ. जब अर्जुन ने देखा खड़े हैं तमाम चचेजादे और उस्तादे जी एहतराम, कहीं बेटे पोते कहीं यार हैं, ब्रादर हैं मामू हैं गमखार हैं, खुसर है कोई कोई दिल बंद है, कि एक से लगा एक का पेवंद है, जिगर की जिगर से लड़ाई है आज, कि लड़ने को भाई से भाई है आज, हुआ दिल को अर्जुन के रज्जो मलाल, कहाँ रहम रिक्कत से होकर निढाल, बदन में नहीं मेरे ताबो तवा, दहन खुश्क है सूखती है जुबां, लगी है मुझे कपकपी थरथरी, मेरे रोंगटे भी खड़े हैं सभी, चला हाथ से मेरे गांडीव अब, बदन चल रहा है मेरा सब का सब.
अमेजिंग अमेजिंग फौजिया। दोस्तों रेनबो सेलेब्स में आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं फौजिया दास्तानगो, मैं हूँ साथ में सुजाता रथ। तो फौजिया आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें एक एग्जांपल पेश किया अपने स्टोरी टेलिंग का, दास्तानगोई का। ये बताएं कि इसमें आपके साथ और भी लोग होते हैं, और भी कलाकार होते हैं विद म्यूजिक एंड तबला हारमोन एंड एवरीथिंग? हाँ, मैं इसका ये जवाब देना है। तो हमारा जो ग्रुप है जिसमें दीबा गज़ल हैं, फिरोज़ ख़ान हैं, रितेश यादव हैं, दानिश अकबाल हैं जो मेरे राइटर हैं, और अभी अशोक लाल ने भी हमारे लिए एक दास्तान लिखी है। उसके बाद ये है कि जो मेरी म्यूज़िकल प्रोडक्शन जैसे मीना कुमारी है, तो मीना कुमारी में हम मीना कुमारी की दास्तान सुनाते हैं, और उसके बाद उसमें हम मीना कुमारी के गाने, विदिशा रॉय मेरे साथ गाती है, मधुबाला की दास्तान सुनाते हैं। तो जो हमारी म्यूज़िकल प्रोडक्शन हैं उसमें जरूर हमारे साथ साजिंदे और सिंगर और ये सब मौजूद रहते हैं। तो क्या बात है, आपने मीना कुमारी की याद दिला दी, मधुबाला की याद दिला दी, तो यहाँ पर कोई टुकड़ा जो आपको पसंद हो उनकी दास्तान का। जी जरूर, मैं मीना कुमारी से एक टुकड़ा आपको सामने पेश करने जा रही हूँ। मीना कुमारी। मीना कुमारी का नाम जब जब जहन में आता है तो साथ ही ये ख्याल भी आता है कि आज कुछ शिकायत आपसे, कुछ शिकायत उस बेऐब ज़ात से, और कुछ शिकायत, जी हाँ, आपसे, आपसे भी की जाए। ये शिकायत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बकौल शायर, उसकी हर बात भुला दी हमने, याद अशकों में बहा दी हमने, रह गुज़र बचती है पायल की तरह, किसकी आहट को सदा दी हमने, वो उसी आग में जलती ही गई, जलती ही गई, और दामन से हवा दी हमने, गम की तस्वीर बहुत मुश्किल थी, उसकी तस्वीर दिखा दी हमने। जी हाँ ख्वातिनो हजरात, आज हम यही तो करने जा रहे हैं। गम क्या है ये दिखाने के लिए आज हम आपको उसकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तो ये सेल्फ पोर्ट्रेट है मीना कुमारी का। एक लड़की थी बड़ी प्यारी सी, मेरी सहेली, मेरी अच्छी, मेरी बहुत अपनी, अपने माथे पे लिए चांद का अधूरा झूमर, सारे आलम के सितारे समेटे आँखों में, जिसके बालों से उलझी थी सुरमई रातें, पल के उठे तो दबे पांव सहर आगे बढ़े, जिसके नाखून में सूरज देख ले दिन का चेहरा, जिसके रुखसारों पे शफक पनाह पाती थी, मोतिया रंग पे पहने हुए संदल का बदन, सांप से अतखुले होठों पे नर्म नर्म शबनम, अपनी आवाज में झरनों का तरन्नुम थामे, एक लड़की थी बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी सी, मीना कुमारी। 16वीं सदी की मौखिक कहानी कहने की कला, दास्तान गोई की कलाकार फौजिया दास्तान को आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में है, हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है, और साथ में हूँ मैं सुजाता रथ। तो फौजिया, जो दास्तान गोई की कला है, जो मैं समझ पाई उसमें स्क्रिप्ट का एक बहुत बहुत जबरदस्त रोल है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, दमदार है, तो मेरे ख्याल से जो उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें जादू। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और इसीलिए मेरे साथ काफ़ी स्क्रिप्ट राइटर काम कर रहे हैं, दानिश इकबाल साहब काम कर रहे हैं, अशोक लाल ने हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखी है, शेफाली पांडे ने लिखी है, और बहुत लोग और भी अभी लिख रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि काफ़ी बार मुझसे लोग पूछते हैं आप लिखती क्यों नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कभी भी जो परफॉर्मर है क्या वो डायलॉग लिखते हैं। और ख़ासतौर से देखिए ये भी बहुत अहम है कि जो चीज़ें ऑलरेडी लिखी गई हैं उनको मंजर आम पे मैं लेकर आऊँ, क्योंकि राम जो हमारी दास्तान है जो डिज़ाइन की है, कंपाइल की है दानिश इकबाल साहब ने, तो उसमें हमारी पूरी दास्तान वो पोइट्री फॉर्म में है। राम को आप कभी उर्दू में पोइट्री फॉर्म में हम सुना रहे हैं, तो ये बहुत पहले लिखी गई हैं वो नज़में, वो सारी जो पोइट्री है उनके ऊपर। अब ब्रज नारायण चकबस ने लिखा था, जब राम जाते हैं वापस मिलने के लिए, अपनी माँ से मिलने जाते हैं, वनवास जा रहे होते हैं, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, वो इतनी मशहूर नज़म है। और हमेशा जब भी मैं स्टेज से उतरती हूँ लोग कहते हैं हमें मालूम ही नहीं था फौजिया कि ये उर्दू में लिखी हुई चीज़ें इतनी पुरानी। देखिए एक ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, और ये चीज़ें हम लोगों के मंजर आम पर लेकर आएँ, जो चीज़ें कहीं लुप्त हो गई हैं, खो गई हैं, लोग भूल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हमने बहुत मेहदी नज़मी हैं, बेताब बरेलवी हैं, हमने बहुत लोगों की चीज़ें उसमें हम मंजर आम पे लेकर आए हैं जी, हाँ, अपनी दास्तान के जरिए। तो आपने जावेद अख्तर साहब के साथ भी काम किया, ए आर रहमान साहब के साथ भी काम किया है, और दानिश इकबाल जी के साथ आपके बहुत फेमस हुए हैं, महाभारत हो, रामायण हो, या गांधी जी के जीवन पर उन्होंने जो स्क्रिप्ट राइटिंग की है। बेशक
अच्छा फौजिया, जैसे हर परफॉर्मिंग आर्ट के लिए हम अभ्यास करते हैं, म्यूजिक के लिए रियाज करना पड़ता है, डांस के लिए भी रियाज करना पड़ता है घंटों घंटों, तो ये जो दास्तान कोई का जो अभ्यास है वो कैसे किया जाता है? ये मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को, आजकल पता नहीं क्या लोगों को लगता है कि बस सफ़ेद कपड़े पहन लो, याद कर लो, स्टेज पे बैठ जाओ और दास्तान गोई हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। ये एक क्लासिकल म्यूजिक की तरह है सुजाता जी, और आपको हर रोज़ जैसे लोग अपना तानपुरा लेके बैठते हैं ना, आपका शो है नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रियाज करना है रोज़। और आप ये नहीं कह सकते नहीं जब मेरा शो होगा हम तभी रियाज करेंगे, क्योंकि ये आपके अंदर रमना चाहिए। जो आपका कंटेंट है जो भी है वो लाइंस आपकी बॉडी के अंदर आपके जिस्म के एक एक पोर में वो बसना चाहिए, वो सबसे अहम चीज़ है। मैं हूँ, मेरी टीम है, मेरी रोज़ बल्कि रिहर्सल ऐसी होती है कि अभी रितेश के साथ है, उसे 2 घंटे के बाद दीबा के साथ है, उसे 1 घंटे के बाद फिरोज के साथ है, तो ऐसे रिहर्सल्स रोज़ होती हैं। ये नहीं होता कि अब शो है तभी रिहर्सल होंगी। मान लीजिए 1 घंटे का स्क्रिप्ट है, तो ये याद करनी पड़ती है? बिल्कुल याद करनी पड़ती है। ज्यादा जरूरी ये है, देखिए याद तो करनी ही पड़ेगी दास्तान गोई, लेकिन अहम बात यह है कि आप लाइंस को एक आम लहजे की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑडियंस के पास सिर्फ आप हैं और आपकी आवाज है। जब तक उनको उनके सामने वो एक फिल्म की तरह नहीं चलेगी कहानी, आप ऐसे दास्तान गो फेल हैं। हाँ, मतलब जो भी मैं कह रही हूँ आपसे, जैसे जो अभी मैंने मीना कुमारी की जो भी बात कही, या मैंने थोड़ी देर पहले महाभारत की अर्जुन का, अगर आपको वो सीन नहीं दिख रहा सामने तो मेरी कामयाबी नहीं है ऐसे दास्तान गो। इसलिए मैं कह रही हूँ रियाज जरूरी, क्योंकि वो जो मतलब वो जो एक रमना जिसे कहते हैं, वो तभी आपकी ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं जब वो लाइंस आपके अंदर रमी हुई होंगी, आप उनमें लीन होंगे एकदम। इसीलिए ये एक मतलब आपको बैठना है भाई सुबह जो भी आपका वक्त है, मैं ये नहीं कहती आप बैठिए और बस, यानी कि जो ऑडियंस है वो आपको ग्रिप में लेना है। हाँ, बिल्कुल। और टक टकी लगाए सिर्फ अपने कलाकार को, स्टेज पर कलाकार को देखे और वो जो कह रहा है उसमें बिल्कुल डूब जाए। हाँ, क्या बात है, ये बहुत मुश्किल काम है, वैसे हर कोई नहीं कर सकता। हम आपकी सराहना करते हैं फौजिया। एंड सफेद कपड़ों का आपने जिक्र किया, तो मैंने देखा है कि आप जब भी परफॉर्म करती हैं तो यू आर ड्रेस्ड इन वाइट, ये क्या वजह है? आपको सफेद रंग पसंद है, क्या क्या वजह है? देखिए जब दास्तान, हमें ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो मिल दास्तान को पहनते थे, महेश्वर दयाल की एक किताब है उसमें बाकायदा एक इमेज है पुराने एक दास्तान को की, जिसमें वो बैठे हुए हैं अचकन पहन के, और ऐसे रेफरेंस हमें मिलते हैं। उस जमाने के लोग वाइट अचकन पहनते थे, गालिब को भी अगर आपने जो आपने इमेजेस देखी होंगी या और लोगों की जो इमेजेस देखी हैं। लेकिन जब फीमेल दास्तान को एक कॉस्ट्यूम की बात आई तो मुझे लगा कि अब वहाँ तो कोई ऐसा रेफरेंस है नहीं, तो मैंने सोचा कि भाई गरारा एक ट्रेडिशनल चीज़ थी, है ना, तो मैंने सोचा फीमेल दास्तान को कुछ गरारा पहनना चाहिए। फिर मैंने उसको वाइट अचकन लेके उसको बाकायदा सिलवाया, और वाइट से एक पाकिजगी का रंग है, और किसको पसंद नहीं है वाइट, और उससे एक बहुत ही एक मतलब एक खूबसूरत माहौल बनता है। क्योंकि देखिए हमारे पास और तो कोई चीज़ है नहीं, ना ही हम बहुत ही लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, ना ही इधर से धुआं आ रहा है उधर से धुआं आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ हमारी स्टेज पर नहीं हो रही है, लेकिन एटलीस्ट हमारे अटायर से हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ अब ये दास्तान गो का सेट है। अब इवन अब तो लोग कपड़े देख के अच्छा अच्छा दास्तान गो ही हो रही है, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप लोग रिलेट कर पाते हैं उससे। देखिए मैं बहुत सारे काम करती हूँ, मैं ड्रामाटाइज रीडिंग भी करती हूँ, मैं पोइट्री भी पढ़ती हूँ, जो भी चीज़ करती हूँ लोग कहते हैं दास्तान गोई है, मैं कहती हूँ नहीं भाई ये दास्तान गोई नहीं है, ये जो रंग है ये कॉस्ट्यूम है वैसे ही आपकी पहचान है। हाँ हाँ, ये मैं चाहती हूँ वो दास्तान गोई तक ही रहे कि भाई हाँ ये दास्तान गोई हो रही है, फौजिया व्हाइट कपड़े पहनकर आइए गरारा अपना, ये दास्तान गोई हो रही है, आज फौजिया नॉर्मल कपड़े पहनकर आइए पोइट्री पढ़ने के लिए, ये दास्तान गोई नहीं है। तो आज वैसे आप नॉर्मल कपड़े पहन, मैं नॉर्मल कपड़े पहनकर आई हूँ, लेकिन आपने कहा कि आप बहुत सारी चीज़ें करती हैं, पोइट्री भी करती हैं, ड्रामा भी करती हैं, तो गाती भी हैं? नहीं गाती नहीं हूँ मैं सच बल्कि नहीं सच में नहीं गाती मैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं सच में नहीं गाती वरना मैं, लेकिन हाँ मुझे अच्छे म्यूजिक का शौक है बिल्कुल, और मैंने राधिका चोपड़ा के साथ कोलैबोरेट किया है, मैंने कव्वालों के साथ कोलैबोरेट किया है, खुसरो की दास्तान हम सुनाते हैं और कव्वाल जो हैं हमारे साथ कव्वाली गाते हैं, तो मुझे पसंद है म्यूजिक, तो मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ जी। बारिश की बूंद में बातों में यादों में नई एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते फौजिया दास्तान को। आज हमारी गेस्ट है रेनबो सेलेब्स में। तो फौजिया 2006 से
पेशेवर प्रदर्शन कर रही हैं पूरे भारत और संयुक्त अरब अमीरात में 400 से ज्यादा प्रदर्शन कर चुके हैं, राइट? बिल्कुल। फौजिया, ये बताइए कि दास्तान गोई के जरिए आप सिर्फ लोगों का मनोरंजन करती है या एक मैसेज भी कन्वे करना चाहती है? देखिए, मुझे हमेशा से लगता है एज एन आर्टिस्ट अगर मैं कोई बात कहना चाहती हूँ तो वो मैं अपनी कला के जरिए कहूँगी। और इसकी वजह यह है कि जब हम राम, महाभारत, राधा कृष्ण उर्दू में कर रहे हैं तो मैं वही कम्युनल हारमोनी के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम मीना कुमारी की भी दास्तान सुनाते हैं उसमें ऑब्वियसली उसमें एक एंटरटेनमेंट का जरिया है वो, लेकिन उसके बावजूद हम बीइंग अ वूमेन उन्होंने क्या कुछ झेला है और उनकी ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल के तौर पर रही है वो हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं। मैंने निर्भया पे किया है और उसे हम डिजिटल दास्तान गोई कहते हैं क्योंकि वो एक घंटे का नहीं है, वो 10 से या 8 मिनट का है या 5 मिनट का है। एक एनजीओ है दिल्ली में, उनके साथ मैंने सेफ मदरहुड पे मैं काम करती हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। सोशल कॉज, मेंटल हेल्थ पे मैंने मनस के साथ बहुत काम किया है और मैं काफ़ी उनके साथ इस कॉज से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर हमेशा मैं हम कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई पोएट्री जरूर उनके साथ करते हैं। जाहिर है कि आप एक मैसेज भी समाज को देना चाहते हैं और उसी पर आधारित होती है आपकी कहानियाँ। श्रोताओं को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि फौजिया जो भारत में बहुत सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स है उनमें पार्टिसिपेट कर चुकी है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ओल्ड वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल, कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल, जश्न रेखता, बहुत सारे इवेंट्स में आप परफॉर्म कर चुकी हैं। तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है इस आर्ट फॉर्म के प्रति वो कैसा है? ये ऊपर वाले का बड़ा करम है कि ऑडियंस सुनती हैं बैठ के, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहती हूँ यहाँ पर कि एक बार मैं परफॉर्म कर रही थी दास्तान और मेरे सामने बैठे हुए शख्स सो गए। तो मुझे लगा ये तो बड़ी खराब परफॉर्मेंस लग रही है इनको, ये सो गए। फिर जब वो जैसे मेरी परफॉर्मेंस खत्म हुई वो आए मेरे पास, अरे बहुत अच्छा था। मैंने कहा सर मगर आप सो गए थे, तो कहने लगे अरे भाई फौजिया मुझे आज तक इतना काम किसी ने नहीं किया जो तुम्हारी दास्तान ने मुझे किया है। और आई फील सो काम कि मैं एकदम रिलैक्स हो गया और मैं सो नहीं रहा था, मैं बिल्कुल लीन था, तुम्हारी आंखें में तुम्हारी दास्तान सुन रहा था। तो देखिए ये जब इम्पैक्ट आता है, जब लोग ऐसा कुछ आके बोलते हैं या 5 साल का बच्चा आके बोलता है मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके आगे आप कुछ मांग नहीं सकते ऊपर वाले से। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपकी उस एक घंटे की परफॉर्मेंस में लोग अपना सोशल मीडिया ना देखें, लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये सबसे अहम चीज है। बहुत खूब कहा आपने। रेनबो सेलेब्स में हमारी मेहमान थी दास्तान गोई की खोई हुई कला को फिर से परिभाषित करने वाली भारत की महिला कलाकार फौजिया दास्तान को। फौजिया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आखिर में आपकी सबसे पसंदीदा कहानी का थोड़ा सा किस्सा हम सुनना चाहेंगे और उसी के साथ श्रोताओं से इजाजत भी लेना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं अभी जो सबसे अहम मेरी दास्तान है, दास्तान अपने राम जी की, तो मैं उसी से एक छोटा सा आपके सामने पेश कर रही हूँ। संत तुलसीदास के बारे में पंडित अमरनाथ सरसार कहते हैं, क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारे पास है, सच ये है सरसार, तुलसीदास तुलसीदास है। इस तरह तो शायरे गुमनाम से नामी बना, दास से स्वामी बना, स्वामी से गोस्वामी बना, देखने के वास्ते चश्मे तमाशा और थी, दर हकीकत ए मुसाफिर तेरी दुनिया और थी, राम का है दास तुलसी, राम तुलसीदास का, राम के लब पर रहेगा नाम तुलसीदास का, तेरे सर पे शायरी का एक मुरस्सा ताज है, हर दिले इंसान पे तुलसीदास तेरा राज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है फौजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।